हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ शुभोदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल एक वीडियो है क्लास 12 स्टूडेंट के लिए जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए जो प्रॉब्लमेटिक पोर्शन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसका एक सीरीज हम सोचे हैं कि स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज जो है वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और रिएक्शंस जो इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में पहला जो वीडियो है ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के कुछ रिएक्शंस को, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो पहला, ये पहला वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग एल्कोहल फेनोल इथर के ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन बात करेंगे। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके बाद जो है एमाइंस चैप्टर के, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 नेम रिएक्शंस होगा जिसमें से 8 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है उसमें से स्टार्ट होता है, मतलब एकदम बिगनिंग से अगर लास्ट में बात करें एनसीईआरटी बुक के, तो पहला है फिंकेलस्टेन रिएक्शंस, उसके बाद सोवर्ट्स रिएक्शंस, उसके बाद एक और रिएक्शंस है जो है हंस डिकर रिएक्शंस, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन से हेलो एल्केन प्रिपेयर्ड होता है, प्रिपरेशंस में है। उसके बाद हेलो एल्केन के रिएक्शंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है उर्ज फिटिग और फिटिग रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद हेलो एरीन के प्रिपरेशंस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सैंडमेयर और गैटरमैन है, ठीक है। उसके बाद हेलो एरीन के प्रिपरेशन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, स्पेशली फ्लोरो एरीन्स के प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जिसका नाम है सीमेन रिएक्शंस। उसके बाद हेलो एरीन्स हेलो एल्केन्स के बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशंस और एलिमिनेशंस। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हम लोग आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहला रिएक्शन जो है वो है फिंकेलस्टेन रिएक्शंस, ठीक है। फिंकेलस्टेन रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस बोर्ड, इस साल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन भी आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिंकेलस्टेन रिएक्शंस। ठीक है, फिंकेलस्टेन रिएक्शन क्या होता है? देखो फिंकेलस्टेन रिएक्शन होता है, इसमें सिर्फ आयोडो एल्केन प्रिपेयर होता है। ये आयोडो एल्केन प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट प्रोसेस है क्लोरो और ब्रोमो एल्केन से। तो अगर तुम्हारे पास कोई क्लोरो और ब्रोमो एल्केन है, जैसे ClBr है, RCl और RBr है, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को लिखने का ये एक जनरल फॉर्म है, उसको हम लोग ऐड करेंगे, उसके साथ ऐड करेंगे NaI और मीडियम होगा एसीटोन, ठीक है, हीट देंगे, तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा, ये Cl और Br जो भी होगा वो बाहर निकल जाएगा और उसके जगह क्या होगा, I माइनस R के साथ ऐड होगा, तो इससे आंसर आ जाएगा RI प्लस NaCl और NaBr। सो दिस इज द फिंकेलस्टेन रिएक्शंस जिसमें सिर्फ आयोडो एल्केन प्रिपेयर होता है फ्रॉम क्लोरो और ब्रोमो एल्केन। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन क्लोरो इथेन रिएक्ट्स विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट, तो योर आंसर विल बी आयोडो इथेन, ठीक है। तो जो भी क्लोरो और ब्रोमो एल्केन होगा अगर वो NaI के साथ रिएक्शन करेगा तो वो आयोडो एल्केन फॉर्म करेगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फटाफट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल बहुत बार बोर्ड में आया है CH3CH2CH2Cl, ठीक है, NaI एसीटोन दिया हुआ है, क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, Cl विल बी रिप्लेस बाय I, तो
तो ये क्लोरोब्यूटेन है। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आयोडोब्यूटेन आएगा और वन आयोडोब्यूटेन आएगा प्लस NaCl फॉर्म होगा। ठीक है, एसीटोन यहां पर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हो गया। फिंकेलस्टेन के बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस फिंकेलस्टेन के बाद है मेरा सोवाट्स रिएक्शन। सो नंबर टू जो है वो है सोवाट्स रिएक्शन। सो सोवाट्स रिएक्शन क्या होता है, देखो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें सिर्फ फ्लूरो एल्केन फॉर्म होता है क्लोरो ब्रोमो और आयोडो एल्केन से। तो हम लोग क्लोरो ब्रोमो और आयोडो एल्केन को हम लोग आर एक्स से डिनोट कर रहे हैं, जिसमें एक्स क्या हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है और आई हो सकता है। ठीक है, अब उसके साथ हम लोग देंगे इसमें क्या देंगे, ए जी एफ देंगे, नहीं तो हम लोग Ag2F2 भी दे सकते हैं, Ag2F2 ये भी दे सकते हैं, याद रखना, नहीं तो SbF3 भी दे सकते हैं, मतलब कोई भी फ्लोराइड डोनर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जिसमें क्या होगा, ये एक्स ग्रुप जो है वो निकल जाएगा और उसके जगह क्या आ जाएगा, ये एफ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आर एफ प्लस ए जी एक्स आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल उसी टाइप का होगा जैसे मान लेते हैं क्लोरो एल्केन प्लस ए जी एफ, नहीं तो Ag2F2, नहीं तो SbF3, क्या आंसर होगा, फ्लूरो एल्केन आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सोवाट्स रिएक्शन, इसमें ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं, सिर्फ याद रखना इसमें फ्लूरो एल्केन प्रिपेयर्ड होता है फ्रॉम क्लोरो ब्रोमो और आयोडो एल्केन बाई सिल्वर फ्लोराइड और बाई मर्क्यूरस फ्लोराइड और बाई एंटीमोनी फ्लोराइड, ये तीनों रिएजेंट याद रखना क्योंकि एग्जाम में इसमें से कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, जो है हम लोग का नंबर थ्री मेथड क्या है, नंबर थ्री मेथड क्या है, वो है मेरा क्या था, नंबर थ्री मेथड, नंबर थ्री हम लोग कर लेते हैं सैंडमेयर रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर में चलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शंस कर लेते हैं, ये भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है सैंडमेयर रिएक्शंस। अच्छा, सैंडमेयर रिएक्शन जब बात कर रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग गैटरमैन रिएक्शन को भी बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है। ठीक है, गैटरमैन रिएक्शंस, ये भी अगर बहुत लोग गैटरमैन रिएक्शन का नाम नहीं सुना है तो ये सैंडमेयर जैसा ही होता है, इसमें भी सेम आंसर आता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सैंडमेयर और गैटरमैन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, दोनों में हम लोग लेते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आई थिंक बहुत लोग इसका नाम पता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, N2Cl जिसको हम लोग बोलते हैं, N2Cl इसका नाम है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको ऐसे ओपन करके लिखोगे तो बेटर समझ में आएगा। इसके बाद इसको हम लोग देंगे CuCl और AcL देंगे, है ना, CuCl क्यूपरस क्लोराइड और AcL देंगे। तो इससे क्या होगा, देखो पहला बात है इससे हेलोएरीन प्रिपेयर्ड होगा। ठीक है, हेलोएरीन प्रिपेयर्ड होगा, पर्टिकुलरली इसमें क्लोरोएरीन फॉर्म होगा। जैसे कैसे प्रिपेयर्ड होगा, देखो ये जो N2 है ये N2 बाहर आ जाएगा, तो N2 तो एक प्रोडक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा, देखो ये जो Cl है ये Cl यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर आंसर आ जाएगा मेरा क्लोरो बेंजीन, बाकी और कोई कुछ कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर N2 ये बाहर आ गया और ये Cl यहां पर आ गया, तो क्लोरो बेंजीन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल है, उसके साथ और क्या प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, सेम इसका एक और ऑप्शन, अच्छा गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है, अगर गैटरमैन में क्या होता है, ये CuCl AcL यूज ना करके हम लोग कॉपर डस्ट और AcL अगर यूज करेंगे तो सेम आंसर आएगा क्लोरोबेंजीन और N2, तो वो रिएक्शन तब गैटरमैन हो जाएगा। ठीक है, सैंडमेयर और गैटरमैन सिर्फ यही डिफरेंस है, इसमें CuCl AcL है, गैटरमैन में कॉपर डस्ट और AcL है, प्रोडक्ट वही होगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2।
ठीक है। इसका एक और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग N2Cl के जगह अगर अच्छा N2Cl ही रखते हैं, अगर हम लोग इसमें CuBr ऐड करेंगे, CuBr और HBr ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को ब्रोमोबेंजीन आंसर मिलेगा, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन आंसर होगा। तो ये था मेरा सैंडमेयर रिएक्शन। अगर इसको गैटरमैन में करोगे तो ये Cu डस्ट प्लस HBr होगा, तो इसमें ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हेलोएरीन प्रिपेयर करने का सबसे इजी मेथड है, हेलोएरीन मतलब क्लोरो और ब्रोमो, इससे साइनोबेंजीन भी प्रिपेयर होता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन देख रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, नंबर 4 जो रिएक्शन है, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखते रहो। आई थिंक ये 8 रिएक्शन करोगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर का एक डिसेंट प्रिपरेशन तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर अगर पढ़ने का अभी उतना टाइम नहीं है तो इसको क्विक रिवाइज करने के लिए ये 8 रिएक्शन तुम्हारा एक डिसेंट प्रिपरेशन करने के लिए एनफ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है नंबर 4 में हम लोग कर रहे हैं जो है मेरा सीमैन रिएक्शन, ठीक है, सीमैन रिएक्शन। जो सीमैन रिएक्शन में हेलो एरीन का जो फ्लूरो एरीन है वो प्रिपेयर्ड होता है, फ्लूरो एरीन प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो सैंडमेयर और गैटरमैन था उसमें क्लोरो और ब्रोमो एरीन फॉर्म होता है, मतलब क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन फॉर्म होता है, लेकिन इसमें क्या फॉर्म होता है, इसमें फ्लूरो बेंजीन फॉर्म होता है, ठीक है। तो फ्लूरो बेंजीन फॉर्म करने का भी जो स्टार्टिंग रिएजेंट है वो फिर से वही है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, अच्छा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, हाँ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। उसके साथ हम लोग लेंगे HBF4 लेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लूरोबेंजीन प्रिपेयर करने का मेथड थोड़ा सा स्पेशल होगा, तो इसमें हम लोग फ्लूरोबेंजीन के प्रिपेयर करने के लिए HBF4 लेंगे, इसको बोलते हैं फ्लूरोबोरिक एसिड, ठीक है। फ्लूरोबोरिक एसिड में ये H प्लस फॉर्म में है और ये BF4 माइनस फॉर्म में है, तो इसमें क्या होगा, देखो ये H और ये जो Cl है ये मिलके HCl बनाएगा, है ना, तो यहां पर माइनस HCl हो जाएगा, बाकी जो चीज है वो एज ए कंबाइंड हो जाएगा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। तो क्या आंसर आएगा, ये Cl H के साथ माइनस HCl कर दिया, मतलब प्लस HCl एज ए प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और यहां पर क्या आएगा N2 प्लस BF4 माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम फ्लूरोबोरेट बोलते हैं, इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम फ्लूरोबोरेट। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा हीट देंगे तो ये कंपाउंड डिकम्पोज कर जाएगा, किस में, देखो पहला बात है ये N2 तो बाहर आएगा, ये N2 आ गया बाहर, ठीक है, BF4 में से एक F माइनस यहां पर ऐड होगा, ठीक है, तो यहां पर ऐड होने से फ्लूरोबेंजीन मिल जाएगा, फ्लूरोबेंजीन फॉर्म हो गया, बाकी यहां पर एक F चला जाने के बाद यहां पर BF4 जो था वो BF3 हो जाएगा, तो यहां पर एक और प्रोडक्ट आएगा वो है BF3, ठीक है। तो देखो सीमैन रिएक्शन में हम लोग दो स्टेप में हम लोग को फ्लूरोबेंजीन प्रिपेयर होता है, पहले बेंजीन डायजोनियम फ्लूरोबोरेट मिलता है, बाद में उसको डिकम्पोज करने से फ्लूरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3 मिलता है, बस सीमैन रिएक्शन में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो है हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11 में भी है और 12 में भी है, तो इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शंस, ठीक है, वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शंस, वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शंस, ठीक है, ये है मेरा, ये तीनों रिएक्शन को हम लोग एक साथ डील कर सकते हैं। देखो ये तीनों रिएक्शंस में तो एक फॉर्मेट जो है इस तीनों रिएक्शन का सेम है, ये तीनों रिएक्शन में हेलो एल्केन, ये तीनों रिएक्शन जो है ये बेसिकली हेलो एल्केन और हेलो एरीन के रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज में है, ठीक है ना, प्रिपरेशन में नहीं है, अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये तीनों रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज में है।
ये जो है ये कंप्लीटली हेलो एल्केन्स का है, ये हेलो एल्केन्स का है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो है ये हेलो एल्केन्स प्लस हेलो एरिन्स का है, मतलब हेलो एरिन्स मतलब क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, और हेलो एल्केन्स मतलब क्लोरोमीथेन ब्रोमोमीथेन क्लोरोइथेन ये सब, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीटली हेलो एरिन्स का है, मतलब क्लोरो बेंजीन इसका है। अच्छा, इस रिएक्शंस में जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसका दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। मतलब अगर यहां पर हम लोग सिर्फ वुड्स करेंगे तो हेलो एल्केन लेंगे, और लेकिन जो भी हेलो एल्केन लेंगे उसका दो मॉलिक्यूल लेंगे। अगर हम लोग फिटिक करेंगे तो जो हेलो एरिन लेंगे, जैसे मान लेते क्लोरोबेंजीन ले लिए, तो उसका दो मॉलिक्यूल लेना होगा। लेकिन वुड्स फिटिक जो है वो एक थोड़ा सा क्रॉस्ड जैसा है, इसमें हम लोग हेलो एल्केन्स का वन मॉलिक्यूल लेंगे और हेलो एरिन्स का भी वन मॉलिक्यूल लेंगे। तो ये दोनों था सेल्फ, वुड्स और फिटिक जो है वो सेल्फ है, इसमें सिर्फ हेलो एल्केन्स का जो भी लोगे एक ही कंपाउंड का दो मॉलिक्यूल, फिटिक में भी एक ही हेलो एरिन्स का दो मॉलिक्यूल। लेकिन वुड्स फिटिक में हेलो एल्केन का एक मॉलिक्यूल और हेलो एरिन्स का एक और मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल लेना होगा। ये क्रॉस्ड है, और ये पहला और जो तीसरा है, मतलब पहला और जो लास्ट है, वो मेरा सेल्फ रिएक्शंस है, जिसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है। रिएक्शंस ये तीनों में एक और चीज कॉमन है, तीनों में रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली मेटल के साथ होता है। तो ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरिन विथ मेटल के कैटेगरी में पड़ता है, ठीक है। इसमें मतलब कौन सा मेटल यूज कर सकते हैं, सोडियम मेटल यूज करेंगे, लेकिन सोडियम का भी दो एटम लेना होगा, ठीक है। तो देखो इसका, ये तीनों रिएक्शन का जो कॉमन फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है कि जैसे ये आर एक्स हम लोग लेंगे, Rx मतलब इससे हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या बोले, दो मॉलिक्यूल लेना होगा। जो सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे उसको थोड़ा सा ऑपोजिट वे से लेंगे, इसको लेंगे Rx तो उसको लेंगे XR, उसके बाद बीच में लेंगे 2Na, ठीक है 2Na लेंगे। रिएक्शंस में एक सॉल्वेंट यूज होता है जिसका नाम होता है ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज होगा, ठीक है। रिएक्शन का जो पैटर्न है कि उसमें ये पहला आर एक्स से एक्स चला जाएगा, दूसरे से भी एक्स चला जाएगा, और बीच में से 2Na, ये तीनों चीज मिलके कंबाइंड होके कंपाउंड फॉर्म करेगा, मतलब 2Na और ये 2x मिलके फॉर्म करेगा 2NaX फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद जो R और R जो बचा है ये दोनों कंबाइंड करके R और R फॉर्म करेगा। तो R और R फॉर्म करेगा, मतलब ये जो R और R है ये एल्केन हो सकता है। अगर ये रिएक्शन वुड्स है तो ये एल्केन है हो रहा है, अगर ये वुड्स फिटिक है तो ये कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और अगर ये फिटिक है तो भी कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ये वुड्स होगा तो ये R के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, CH3 पुट कर सकते हैं। जैसे मान लेते ये CH3Cl है हेलो एल्केन्स, तो ये भी क्या होगा, ClCH3 होगा। वुड्स में एक ही कंपाउंड का दो मॉलिक्यूल, तो CH3Cl, और ये भी होगा ClCH3, ठीक है। लेकिन अगर ये वुड्स फिटिक होगा तो एक तरफ हेलो एल्केन लेंगे, एक तरफ हम लोग हेलो एरिन लेंगे। तो जैसे ये हो गया CH3Cl, ये हो गया Cl बेंजीन रिंग, ठीक है। इससे प्रोडक्ट क्या होगा, इससे प्रोडक्ट होगा बेंजीन रिंग और CH3, तो टॉलुइन आंसर आ जाएगा वुड्स फिटिक में। और अगर फिटिक रिएक्शन बात करो तो दोनों तरफ हेलो एरिन होगा, मतलब ये क्लोरोबेंजीन है और ये भी क्लोरोबेंजीन है, तो इससे हम लोगों को बाईफिनाइल प्रोडक्ट आएगा, ऐसा प्रोडक्ट आएगा। तो इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे एग्जाम में बोला कि कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, बहुत लोग ये समझ में नहीं आता है, इस कंपाउंड का नाम है बाईफिनाइल नहीं तो डाईफिनाइल। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू डाईफिनाइल, तो तुम क्या करोगे,
ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये इसमें फिटिंग करना है, तो हम लोग क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन का ही दो मॉलिक्यूल लेंगे, बीच में 2NA लेंगे, ठीक है, और हम लोग ऐसा क्लोरोबेंजीन का दो मॉलिक्यूल लेंगे, बीच में से सेम फॉर्मेट करके हम लोग 2NaCl निकाल देंगे, 2NaCl निकाल देंगे, प्लस प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन रिंग और उसके साथ एक और बेंजीन रिंग। तो इस कंपाउंड का नाम पहले से पता है, इसका नाम है बाइफिनाइल नहीं तो डाइफिनाइल। तो ये हो गया मेरा ऊर्ज फिटिग और फिटिग रिएक्शंस। आई थिंक समझ में आ गया है, ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस के तरफ। इसका जिसको लिखना है तो लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा, तुम लोग मेरे कमेंट में ये भी बताना कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या क्या टॉपिक का रिवीजन और क्या क्या टॉपिक में कोई डाउट, अगर कोई डाउट होगा कोई भी चैप्टर का रिवीजन अगर तुम लोग चाहोगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना कि फिजिकल केमिस्ट्री से, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री अभी तक हम उतना स्टार्ट नहीं किए हैं 12 में, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किस चैप्टर का रिवीजन तुमको चाहिए, कोई भी टॉपिक का, कोई नहीं तो कोई भी तुम्हारा चैप्टर का, ठीक है। तो इसके बाद जो होगा वो है मेरा नंबर 5 हो गया। नंबर 5 में कौन सा रिएक्शन है, नंबर 5 में कौन सा रिएक्शन था, नंबर 5 में हम लोग तो कर लिए, ये सब हो गया। नंबर 5 में जो रिएक्शन हम लोग करेंगे वो है मेरा सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। थोड़ा सा ऑर्डर में इधर उधर हो सकता है, ठीक है, जो भी होगा ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशंस और एक ही साथ कर देते हैं, अच्छा सब्स्टिट्यूशन पहले बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस और एलिमिनेशंस दोनों एक साथ ही बात कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इस चैप्टर में एकदम डिटेल्स में पढ़ना होगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस अगर बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक, इसको हेडिंग दे रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सिर्फ अलग से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बात करेंगे, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SN reactions। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्किप कैसे करोगे, SN रिएक्शन को कैसे स्किप करोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये तो अभी हम लोग देखेंगे फिंकलस्टेन सोवर्स, ये सारे रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक इसका जो अगर जनरल फॉर्मेट देखें तो इस रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट हम लोग यूज करते हैं जिसमें जो हेलो एल्केन होगा पर्टिकुलरली, तो इसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं, इसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं जो हेलो एल्केन यहां पर होगा। हेलो एल्केन भी हो सकता है और कोई भी अलग कंपाउंड भी हो सकता है, हेलो एल्केन हो सकता है, उसके बाद अल्कोहल भी हो सकता है, ये सब सबस्ट्रेट्स यहां पर यूज होता है। उसके साथ हम लोग बाहर से कोई एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं, क्योंकि टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो बाहर से हम लोग कोई न्यूक्लियोफाइल को लाते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, आर को अटैक करता है और इससे एक्स ग्रुप बाहर आ जाता है, इससे तो प्रोडक्ट क्या होता है, इससे प्रोडक्ट आता है आर एन यू प्लस एक्स माइनस, ये प्रोडक्ट आता है। एक्स माइनस को हम लोग लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये इस रिएक्शन का एक बेसिक फॉर्मेट है, अभी एलिमिनेशन नहीं है, अभी सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशंस कौन कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शंस को हम लोग दो फॉर्मेट में कर सकते हैं, मतलब दो पाथवे से कर सकते हैं, एक होगा SN1 और एक होगा SN2, तो दोनों थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। ऐसे भी इसका एक डिटेल्स वीडियो हम इसके बाद अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को डिटेल्स में बात करेंगे, जिसमें इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसका मैकेनिज्म्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू SN रिएक्शंस हम लोग बात करेंगे। तो ये था इसका एक बेसिक फॉर्मेट। अब इसमें दो टाइप आता है, एक आता है SN1 आता है। SN1 कब होगा, अगर ये जो सबस्ट्रेट है ये अगर तुम 3 डिग्री प्रेफर करोगे, 3 डिग्री कोई 3 डिग्री सबस्ट्रेट लोगे, जैसे ये हो गया,
थ्री डिग्री, ठीक है, ये थ्री डिग्री हेलो एल्केन है। अब उसके साथ तुम यूज कर रहे हो KOH, ठीक है, एक्वस। तुम बोलोगे सर KOH में न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये तो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है S, ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें से तुम्हारा कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल में तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है नहीं। तो देखो पूरा KOH न्यूक्लियोफाइल नहीं है, KOH में से ये जो K प्लस है ये तो एक काउंटर पार्ट है, जो OH माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। वो क्या करेगा, इस पहले ये Cl माइनस बाहर जाएगा, एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल C को अटैक करेगा और उसके बाद हम लोग को ऐसा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, Cl के जगह OH आ गया है, सब्स्टिट्यूशन प्लस KCl आंसर होगा। तो ये रिएक्शन SN1 पाथ फॉलो कर रहा है। क्यों पाथ फॉलो कर रहा है, क्योंकि SN1 रिएक्शन का जो डिफरेंट सबस्ट्रेट का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है 3 > 2 > 1 है। तो ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है, तो ये प्रेफर करेगा SN1 रिएक्शंस। अब अगर हम लोग ऊपर नीचे कर देते हैं, SN2 रिएक्शन करते हैं, तो हम लोग किस टाइप के सबस्ट्रेट को प्रेफर करेंगे, सेम रिएक्शन करेंगे हम लोग, तब प्रेफर करेंगे ऐसा कोई सबस्ट्रेट जो 0 डिग्री हो, नहीं तो 1 डिग्री हो। जैसे ये 0 डिग्री सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसमें भी KOH यूज करेंगे, KOH एक्वस KOH यूज करेंगे, K प्लस OH माइनस। अब क्या करेगा, देखो इस रिएक्शन का जो मेकानिज्म है वो SN2 से SN1 से अलग होता है। SN1 में पहला स्टेप में ये जो CCl बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और इसमें एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, अभी ये मैकेनिज्म हम नहीं दिखाए। नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन इस OH माइनस के साथ कंबाइंड करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है, लेकिन SN2 में ये जो CCl बॉन्ड ब्रेकिंग है और ये जो COH बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये दोनों स्टेप एक साथ होता है, इसीलिए बीच में तुमको एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन के लिए हम लोग ऐसा सबस्ट्रेट चूज करते हैं जो थोड़ा सा साइज में छोटा हो, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस उसका कम होगा, तो इसीलिए हम लोग 0 डिग्री नहीं तो 1 डिग्री सबस्ट्रेट चूज करते हैं। लेकिन दोनों में SN1 करे कि SN2 करे, दोनों का जो बेसिक है कि दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर से आके जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर Cl जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करता है, उसको सब्स्टिट्यूट करता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का एक बेसिक आइडिया तुमको हम दिए हैं, डिटेल्स वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें हम लोग मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके बाद हम लोग चलते हैं एलिमिनेशंस रिएक्शंस के तरफ, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन। इसी कैटेगरी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं एलिमिनेशंस रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं एलिमिनेशंस रिएक्शंस, मतलब इसमें समथिंग विल बी एलिमिनेट इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, समथिंग विल बी एलिमिनेट। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो एग्जाम्पल हम लोग के पास है वो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये है क्योंकि एलिमिनेशन बहुत सारा टाइप का हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो सकता है, तो अभी हम लोग के पास डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इस चैप्टर में है, जिसमें क्या होता है, एक हेलो एल्केन से एक मोनो हेलो एल्केन से हैलोजन एसिड एलिमिनेट होता है, क्योंकि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, सो H और X का कंबाइंड एलिमिनेशन एक मोनो हेलो एल्केन से, और मतलब ये मोनो हेलो एल्केन्स का मतलब हेलो एल्केन्स का ये रिएक्शंस में है, तो इससे क्या होता है, एक एल्कीन फॉर्म होता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं,
जैसे जैसे ये है तुम्हारा, मान लेते कि ऐसा है कोई भी एक हेलो एल्केन, थोड़ा सा इसको ठीक से लिख रहे हैं। देखो ये तो एक हेलो एल्केन है, इतना तो पता है ना, CH3 CH2X। अब एक जगह तुम CLVRI कुछ भी बैठा लो, ठीक है, ये एक हेलो एल्केन है। इसको इसमें हम लोग क्या एलिमेंट करेंगे, दो चीज एलिमेंट करेंगे, X और H। X एलिमेंट करेंगे अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच होता है। और जो नेक्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा, जिससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसको हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। तो यहां पर दो चीज एलिमेंट होता है, यहां पर अल्फा से एक्स और बीटा से एच, ये दो चीज एलिमेंट होता है। और ये अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड आता है। तो यहां पर हम लोग इस चीज को कौन सक्सेसफुली करेगा, इसको करेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस करेगा, किस मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम में, एक्वास में नहीं, एल्कोहलिक मीडियम में। एक्वास करोगे तो ये सब्स्टिट्यूशन कर देगा, एल्कोहलिक करोगे तो ये एलिमिनेशन करेगा। तो ये क्यूज करेगा, क्या करेगा, एच और एक्स को एलिमिनेट करेगा, एक्स को यहां से एलिमिनेट करेगा, एच को इधर से एलिमिनेट करेगा, और अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड लाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर आएगा सिंपल, आंसर आ जाएगा ये मेरा ऐसा एल्कीन आंसर आएगा, एल्कीन आंसर आ गया। तो ये हेलो एल्केन्स के रिएक्शंस में है। हाँ अच्छा, ये एल्कीन हो गया, अच्छा एच एक्स निकल गया, ये एच एक्स क्या करेगा, के और ओएच के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, क्योंकि एच एक्स मतलब HCl, ये HCl KOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा KCl प्लस H2O। अब KCl नहीं, KX प्लस H2O। तो फाइनली तुमको मिलेगा एक एल्कीन प्लस KX प्लस H2O, ठीक है। ये रिएक्शन भी दो मेकानिज्म, तीन मेकानिज्म से हो सकता है, एक होता है E1, एक होता है E2 और एक होता है E1CB मेकानिज्म से। तो मेकानिज्म वाला वीडियो हम बाद में करेंगे, अभी एक जस्ट एक बेसिक आइडिया अबाउट द एलिमिनेशंस। सेम फॉर्मेट फॉलो करना, बाकी कोई भी अगर हेलो एल्केन तुमको देगा उसके साथ KOH एल्कोहल एल्कोहलिक देगा, नहीं तो इथानोलिक KOH देगा, तो उसमें तुम क्या करेगा, अल्फा कार्बन से एक्स को एलिमेंट करना और बीटा कार्बन से एच को एलिमेंट करना, और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल ब्लॉन्ड बॉन्ड को प्लेस करना, तो तुम्हारा एल्कीन ऑटोमेटिकली तुम्हारा एल्कीन आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नंबर जो है सिक्स रिएक्शंस के तरफ। क्या है वो नंबर सिक्स रिएक्शंस, वो है मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो इसको हम लोग कैसे मिस करेंगे, ये तो मिस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को देखो, ठीक है, ये बहुत ही एक यूजफुल वीडियो होगा, हो रहा है तुम्हारे लिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैक्सिमम स्टूडेंट को इस रिएक्शन से प्रॉब्लम है। तुम बोलोगे सर अभी तो सब्स्टिट्यूशन किए, तो वो न्यूक्लियोफिलिक था, अब करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अगर बहुत जल्दी समझना है, टाइम तुम्हारे पास कम है, तो पहला चीज या ये समझ लो कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफाइल करता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है ये हेलो एल्केन में नहीं होता, ये हेलो एरीन में होता है, मतलब ये बेंजीन में हो सकता है और नहीं तो कोई एक बेंजीन के डेरिवेटिव में हो सकता है। जैसे यहां पर जो है वो है एक हेलो एरीन में हो सकता है, ठीक है। अच्छा हेलो एरीन में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, देखो हम सिर्फ हेलो एरीन का ही इस चैप्टर में सिर्फ हेलोएरीन का ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। हेलोएरीन में ये तो पता है कि जो सीएल ग्रुप होता है उसके रेस्पेक्ट में ये जो दो दो पोजीशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, है ना, ओ बोलते हैं, और ओ मतलब ऑर्थो, और इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पैरा, पी बोलते हैं, और ये जो दो पोजीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेटा, एम, एम स्टैंड करते हैं। अगर हेलोएरीन में कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, कोई एक बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, वो
जहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा वहां से एक हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकाल देगा और उसके जगह वो बैठ जाएगा। जैसे हेलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और कोई जो न्यूक्लियोफाइल पहले से था उसको निकाल दे रहा था। तो यहां पर भी सेम होगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बेंजीन रिंग में अटैच होगा, बेंजीन रिंग में अटैच करेगा और बेंजीन रिंग का कोई एक पर्टिकुलर पोजिशन का जो हाइड्रोजन है उसको निकाल देगा। क्योंकि ये तो पता है तुम लोग को कि बेंजीन रिंग में अभी जो बेंजीन, ये जो बेंजीन रिंग है इसमें ये एक दो तीन चार पांच, ये पांचों पोजीशन में एक एक हाइड्रोजन एटम है। तो अगर हैलोएरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये याद रखना कि जो हैलो ग्रुप होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा में ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने का परमिशन देगा। मतलब जो जितना भी इलेक्ट्रोफाइल है उसमें से कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा और कुछ हाइड्रोजन जो पैरा के पैरा में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि हैलो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसीलिए प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, प्रोडक्ट होगा Cl के साथ एक ऑर्थो में E आएगा और Cl के साथ एक पैरा में E आएगा, ठीक है। इसमें से मेजर प्रोडक्ट ये होगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर होता है। ऐसा क्यों होता है? ये ऑर्थो प्रोडक्ट में ये जो दो ग्रुप है ये इतना क्लोज्ड है, इतना एडजेसेंट है कि स्टेरिक हिंडरेंस मतलब रिपल्शन हो सकता है जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन पैरा में ऐसा नहीं है, ऑपोजिट में है ना। इसको ई कर देते हैं, है ना, ये ई होगा, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, इसका कुछ एग्जांपल हम लोग अभी करके देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल होगा क्लोरीनेशन, इसको लिख लो, ठीक है। इसके बाद पहला एग्जांपल लेकर हैं क्लोरीनेशन। अगर क्लोरीनेशन करेंगे मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में टोटल जितना भी टाइप होता है उसमें से पहला टाइप होता है क्लोरीनेशन। अगर हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो है Cl प्लस, लेकिन उस Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल को कौन प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा Cl2 और FeCl3। ये कॉम्बिनेशन Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोडक्ट सेम ही होगा, क्या होगा, E के जगह क्या आएगा, Cl आएगा और यहां पर E के जगह क्या आएगा, Cl आएगा, हो गया, देखो, ठीक है। अगर तुम ब्रोमिनेशन करोगे, अगर तुम ब्रोमिनेशन करोगे तो इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस होगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है। अब उसके बाद क्या चेंज होगा, यहां पर Cl2 की जगह क्या आएगा, Br2 आ जाएगा और यहां पर FeCl3 की जगह FeBr3 आ जाएगा और यहां पर Cl की जगह Br आ जाएगा और ये Cl की जगह भी Br आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हो गया। उसके बाद चलते हैं नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का थर्ड जो टाइप होता है उसको बोलते हैं नाइट्रेशंस। नाइट्रेशंस में ये जो इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफाइल है ये है मेरा NO2+, इसको कौन प्रोड्यूस करेगा, इसको प्रोड्यूस करेगा कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और थोड़ा सा हीट, ठीक है। इससे क्या होगा, NO2+ सेम रेस्पॉन्ड करेगा और ऑर्थो और पैरा में जाके एंट्री करेगा। तो देखो फॉर्मेट एक ही है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल और रिएजेंट का नाम चेंज हो रहा है। उसके बाद होगा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफाइल है SO3, याद रखना ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इसको प्रोड्यूस करेगा सिर्फ कौन, इसको प्रोड्यूस करेगा सिर्फ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो लेकिन इसका जो आंसर होता है वो आंसर थोड़ा सा अलग होता है। इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफाइल यहां पर SO3 है लेकिन जब वो एंट्री लेगा तो वो हो जाएगा SO3H, SO3H, ओके।
ठीक है, लास्ट का दो बचा है, एक का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस और एक का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशंस। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशंस में क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस में कोई R प्लस ग्रुप ऐड होता है, मतलब इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफाइल कोई R प्लस है, मतलब कोई भी कार्बोकेटाइन है, CH3 प्लस, CH3, CH2 प्लस, ऐसा कोई कार्बोकेटाइन है। जैसे मान लेते हैं अगर R प्लस तुमको प्रॉब्लम दे रहा है तो तुम कोई भी कार्बोकैटायन ले लो, CH3 प्लस ले लो। अगर तुम CH3 प्लस चाहते हो तो तुमको लेना होगा एज ए रिएजेंट, लेना होगा CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। इससे क्या होगा, ये जो CH3 प्लस है ये यहां पर जाएगा और ये इसके बाद यहां पर जाएगा। तो ये हो गया फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फिफ्थ वैरायटी। जो सिक्स वैरायटी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, जो सिक्स वैरायटी है उसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें CH3 प्लस के जगह आता है CH3CO+। रिएजेंट यूज करेंगे CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3 और उससे क्या होता है, आंसर आता है मेरा CO CH3 और यहां पर भी पैरा में भी CO CH3। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 वो कॉमन रहेगा लेकिन यहां पर सिर्फ रिएजेंट आ जाएगा CH3COCl, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा CH3COCl, मतलब CH3CO+। इलेक्ट्रोफाइल तुमको करने का नहीं है, मतलब करके दिखाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम इलेक्ट्रोफाइल अपने लिए याद रखोगे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो है मेरा हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स चैप्टर का। अगर कुछ भी छूट गया आज इस चैप्टर से तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको मतलब कंपेंसेट कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।